अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मुमीन और तुसी देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। की हाल चाल है? सब खैरियत वैसे ठीक, उम्मीद करता सब खैरियत नाल होवोगे। अल्लाह पाक तुहानू सब नूं अपने हिफ्ज़ मान दे विच रखे। अज बड़े दिनों तो बाद सुबह सुबह का आगाज़ मतलब कर रहा व्लॉग दे विच, वरना सुबह का व्लॉग मतलब नहीं मेरे को बनाया जाता आगाज़ कभी भी। तो अज मेरे वास्ते एक बहुत ही खास दिन, तुसी दुआ करनी कि अल्लाह पाक सब खैरियत करे और तुहाडे नाल कोशिश करांगा कि मैं शेयरिंग करनी, क्योंकि उत्थे मैं थोड़ी जी एक पॉलिसी और प्राइवेसी इस तरह दी ने कि भी उत्थे मैं हो सकता कि रिकॉर्डिंग ना कर सका। खास दिन जिहड़ी वजह तों कि अज है जी साडा सिक्योरिटी वाले ना, यानी कि फायरिंग टेस्ट है, अज फायरिंग होनी है अज। ते बाकी दुआ करे अल्लाह पाक खैर करे। तो जी गाइस, फाइनली मैं जिवें कहा सी कि तुहाडे नाल कोशिश करांगा शेयर करन दी, ते इह है जी मेरा रिजल्ट कि समझो कि भी तकरीबन शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक रहा। बाकी ज़्यादा वीडियो वगैरह अभी बना नहीं सकते क्योंकि तुहानू पहले दस्या कि ममानत हुंदी है और जितना को हो सकता उन्नी मैं तुहानू कहा सी कोशिश करांगा और इतना कर सानू अपना रिजल्ट मिल गया। जी गाइस, ते घर पहुंचे, घर पहुंच के ना हुण बस दवा दवा लैने मिसेज नू नाल, ते चलिए अल्लाह हर करे शाम हो गई क्योंकि नमाज़े मगरब हो गई है। चलने हुण चल के वेखने कि नादरा दफ्तर की बनता। सारी सूरत हाल हुई, रूटीन हुई, फिर तुम शेयर करने जो तो पहले ना मैं कहता मैं भी थोड़ी जी खुशबू मशबू ला लवा। खुशबू पई हुई है सामने रखे हुए ना, परफ्यूम वगैरह ऐ वाला लाने जी। पिछले जो लिया एक दफा ड्यूटी तो क्योंकि आया सीधा, तो आन के ना गर्मी के बच्चे ड्यूटी करनी होती दिन, मैं चलो थोड़ा जहाँ हो जाए ना ताज़ा दम। हाँ जी गाइस, पहुंच तो गए हैं रंगिया खान नादरा दफ्तर। देख सकते कि वो सामने ऊपर देखो नादरा दफ्तर लिखा है, और लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका, देखो की बन रहा है। यह है सामने खानपुर ना सखर अड्डा रंगिया खान का ना सामने आई, थोड़ा ऊंचाई नज़र आ रही है ना हल्की हल्की, वो सामने अच्छे से लाइटा ने अड्डा है, अड्डे तो बिल्कुल नाल ही है नादरा ऑफिस। थोड़ी जी प्रॉब्लम है मसाइल के भी देखने, चंद दिन पहले मेरा दोस्त एक्सपर है ना जट, तुम जानते हो गए, वो कहता सी कि भाई 6:30 बजे तो पहले अगर एंट्री हो जाए तो फिर बंदा अपना काम करा सकता, 6:30 बजे तो बाद एंट्री अगर हो तो फिर 6:30 बजे तो बाद मतलब तुम मेन गेट तक पहुँचो तो एंट्री नहीं हो सकती, बंदा अंदर नहीं जा सकता। तो सुनया है कि कहें कि भी इतने यह फायदा है कि वैसे तुम सुबह तो लग गए ना तकरीबन 7-8 बजे तो लग गए और रात 10 बजे तक, बल्कि वो ऊपर टाइम ही लिखा तुम मैं बखाना ये देखो ना इना शेड्यूल लिखा है कि सुबह 8 बजे तो लग गए रात 10 बजे तक, वक्फा सिर्फ होंगे 1 बजे तो लग के 2:30 बजे तक, 1.5 घंटा वक्फा होंगे। साडा लइया दे विच लंघ ना लइया दे विच सिर्फ सिर्फ जनरल टाइम ही होंगे सुबह 9 बजे तो लग के शामी 5 बजे तक, यह सुबह है कि रात 10 बजे तक नादरा ऑफिस खुला होगा। बाकी जो तो ना गल शेयर करनी है, तुम दसिया नहीं कि असं रात के टाइम आए क्यों आए, इस तरह से मेरी मिसल का साधिकार जो एक्सपायर वो बनवा आए दोबारा, यानी कि रिव्यू करवाना है। यह है जी नादरा ऑफिस का मेन इंटरस, इस तो अगर मैं नहीं बनावगा क्योंकि हो सकता कि उन्होंने प्राइवेसी हो, अगर कोई सीन बन सके तो मैं बनाने की कोशिश करा, नहीं तो अंदर तो मैं ज़्यादा कैच नहीं करा। चलो जी, मैं थोड़ा जहा गाइड करता चलो, गेट इंटरस होंगे नाल ही सामने काउंटर ने, इधरों लैनी पैंती पहले परची, परची लैन तो बाद मतलब अपना पहले टोकन लगाना पैंता आर जी टोकन, जो टोकन लगाने बाद फिर ए सामने जो हाल तुम नज़र आ रहा है, इस हाल से जाके बैठ जाओ अपनी बारी का इंतजार करो। चलो जी शुक्र अलहमदुल्ला है कि भी टोकन मिल गया बिल्कुल आसानी नाल, रश भी तकरीबन नॉर्मल है, अल्लाह हर करे उम्मीद है कि घंटे के अंदर अंदर साडा काम कंप्लीट हो जाएगा, उस तो बाद फाइल जमा करवानी, फिर महीने बाद शनाख्ती कार्ड रिसीव करेंगे। शनाख्ती कार्ड बहुत जरूरी सी क्योंकि अगों तुम दस्या कि जहाँ पिछली वीडियो देखा कि शॉपिंग वगैरह जारी है, मेरे कजन की शादी है, इतों से जाना हासलपुर, फिर बरात जानी हासलपुरों लाहौर, इस वास्ते दौराने सफर शनाख्ती कार्ड का होना बहुत जरूरी है। असं पहले वेखे ही नहीं, गौर ही नहीं किया, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक भी शनाख्ती कार्ड तो हम नहीं मिलेगा, लेकिन एक कम से कम चलो रिन्यू हो गया, टोकन साढ़े को होएगा, पुराना शाह शनाख्ती कार्ड भी साढ़े को होएगा, खुदा ना खासा चलो कोई इनकेस को अगर मसला बनता भी है तो बंद परेशानी नहीं होती, बंदा विखा सकता कि चलो पुराना साडा एक्सपायर है लेकिन न्यू असी कराया, रिन्यू टोकन साढ़े को मौजूद है। बाकी अल्लाह पाक ज़्यादा बेहतर करे क्योंकि मुल्की हालात में देखते हैं ना, ये चीज़ा बहुत जरूरी ने पुराने सफर। मैं टोकन वगैरह लगवाने तो बाद हम बाहर आने के बैठा रोड के सामने, रोड गुजर रहा मेरे ना, चलो थोड़ा जहा बाहर की ताज़ी हवा देखिए। एक तो मैं आ यूनीफॉर्म के गया, यूनीफॉर्म के फिर जो है ना होर कई मसाइल बनते हैं, यूनिफॉर्म जाए तो कई आवाम वेख मतलब इतों का गार्ड ही समझ के तू मेरे को मतलब पूछी जान हेल्प ले जान,
ਬਸ ਕਰਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਰਿਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਟਰੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 4,396 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈ 4,451 ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਵਸੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲੱਗਾ ਟੋਟਲੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਸਦੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਸਤੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।